यदि पूरे टीम के साथ संजय सिंह जी के घर में जमी रही, लेकिन जैसे पहले मनीष सिसोदिया जी के घर पे हुआ था, एक रुपया उनके घर पे नहीं मिला, कल दोबारा संजय सिंह जी के घर पे भी चप्पा चप्पा खंगालने के बाद भी ईडी को कुछ नहीं मिला। कल शाम को गिरफ्तारी की खबर मिलने के बाद जब हम लोग उनके परिवार से मिलने गए, परिवार के लोगों ने बताया कि घर का कोई कोना ऐसा नहीं कि जहां पर ईडी ने खंगाला ना हो, लेकिन ईडी को कुछ नहीं मिला। उसके बावजूद भी शाम को अचानक संजय सिंह जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। शाम तक अधिकारी इस बात को कहते रहे कि ये जांच की प्रक्रिया है, पूरी हो जाएगी। अचानक ऊपर से निर्देश आया कि संजय सिंह को गिरफ्तार करो और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर ये गिरफ्तारी क्यों हो रही? मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुबह से वही बेसुरा राग अलाप रहे हैं जो डेढ़ साल से अलाप रहे हैं। आपको याद होगा एमसीडी चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी के नेता मीडिया में चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे, तमाम तरह की झूठे खबरें प्लांट करवाते थे कि किसी तरह से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जाए। क्यों? क्योंकि एमसीपी चुनाव में सारे सर्वे कह रहे थे कि भाजपा हार रही है, लेकिन पूरे देश ने इस बात को देखा है कि सारा तीन तिकड़म भारतीय जनता पार्टी का धरा के धरा रह गया। सारी झूठे खबरें, सारी अफवाहें, सारा झूठा प्रचार करते वो रह गए, लेकिन एमसीडी का चुनाव वो हार गए। आज देश में इंडिया गठबंधन बनने के बाद से एक नई परिस्थिति पैदा हुई है। देश के लोग जिस तरह से उम्मीद कर रहे थे कि देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बेरोजगारी की समस्या का समाधान करेगी, भाजपा की सरकार फेल हुई, बेरोजगार दर दर भटक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी से लोग उम्मीद लगाए थे कि महंगाई कम हुई, लेकिन आज सबसे ज्यादा महंगाई मोदी जी की सरकार में हो चुकी है। लोग इस बात की उम्मीद लगा रहे थे कि देश के लोगों की गरीबी दूर होगी, आज लोगों को दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो रहा है। उसके उलट पूरे देश के अंदर एक खौफ पैदा किया जा रहा है कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ बोलेगा तो हमारे पास ईडी है, हमारे पास सीबीआई है, हमारे पास आईटी है, हमारे पास पुलिस है, हम जवान को बंद कर देंगे। कल संजय सिंह जी ने कहा मरना पसंद है लेकिन डरना नहीं। आम आदमी पार्टी के एक नहीं, दो नहीं, पूरी पार्टी के सभी नेताओं को भी गिरफ्तार कर लोगे तब भी ना आम आदमी पार्टी पहले झुकी है आपके सामने और ना आगे झुकने वाली है। हम जेल जाने को तैयार हैं लेकिन आपके सामने झुकने को तैयार नहीं है। देश के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए आवाज हम उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। आज देश के अंदर जिस तरह का माहौल बनाया गया है, जिस तरह से पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया अचानक, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के महिला सांसद को घसीट घसीट करके गिरफ्तार किया गया, पूरे देश ने देखा है। कल जिस तरह से बिना किसी सबूत के, बिना किसी वजह के ईडी ने संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया,
आज भाजपा के नेता कह रहे हैं कि और भी नेता गिरफ्तार होंगे, हमें भी पता है गिरफ्तार होंगे, क्योंकि आपकी सारी कवायदें फेल हो रही हैं। चारों राज्यों के जो चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर आप हार रहे हो, और उस डर में आपने मध्य प्रदेश ने पूरा देश देखा है कि जिस तरह से आपको केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारने के लिए मजबूर होना पड़ा है, ये आपके डर का सबूत है। जिस तरह से पूरा देश देख रहा है कि पूरा देश आपसे सवाल पूछ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है, आपका डर दिख रहा है, आपकी बौखलाहट दिख रही है। आप तो चाहते हो कि आपके पास एक ही समाधान बचा है कि विपक्ष के नेताओं को जेल के अंदर भेज दो। आप कह रहे हो केजरीवाल, केजरीवाल को भी आप चाहते हो कि जेल के अंदर हम बंद कर दें, आप चाहते हो ममता बनर्जी जी को भी जेल के अंदर बंद कर दें, आप तेजस्वी यादव को भी चाहते हो कि जेल के अंदर बंद कर दें, आप YSR को भी चाहते हो कि जेल के अंदर बंद कर दें, आप तो पूरे देश के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को चाहते हो कि जेल के अंदर बंद कर दें। लेकिन जेल का इतिहास यही है कि अगर सत्ता लोगों को जेल में बंद करके चुनाव जीतने का सपना देखने लगे तो समझ जाओ कि उसकी जमानत जब्त होने वाली है। जब नेताओं की आवाज को सत्ता के दम पर चुप करा दिया जाता है तो देश की जनता ने इतिहास में भी अपनी आवाज को बुलंद किया है। और अगर आप ये सोचते हो कि उसी रास्ते पर चल के आपको MCD की तरह चुनाव हारना है, वो भी कबूल है। आप गिरफ्तारियां करते रहो और लोकसभा चुनाव में आपके हार की तैयारियां जनता कर रही है। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तानाशाही के खिलाफ, इस गुंडागर्दी के खिलाफ जो फर्जी गिरफ्तारी हुई है संजय सिंह जी की, उसकी रिहाई की मांग को लेकर के आज यहां पर लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा, और हम सड़क पर इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे और न्यायालय के अंदर भी अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे, और पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के हर तानाशाही का मुकाबला करेंगे और इस देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए पूरी मजबूती के साथ अपनी आवाज को उठाना हम जारी रखेंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। थैंक यू।